नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आपने आज से पहले नारियल के लड्डू तो बहुत बार बनाए होंगे, पर क्या आपने बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना घी के कभी लड्डू बनाए हैं? नहीं ना? तो आज हम बनाएंगे थोड़े से दूध से अपने ये नारियल के लड्डू। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में जब हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में हम घर के सामान से ही अपने लड्डुओं को बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, हमने लिया एक पैन, इसको रख दिया हमने गैस पर, बिल्कुल सिम गैस पर। अब हमने इसमें डाला ये एक बाउल नारियल का बुरादा। इसको हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल घर के सामान से ही बना रहे हैं और इसमें हम कोई खुशबू की चीज़, इलायची पाउडर या कोई एसेंस कुछ भी नहीं डालेंगे। ऐसा करने से एक तो इसमें चिकनाई आ जाएगी क्योंकि ये नारियल अपना ऑयल रिलीज कर देगा, और दूसरी बात इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी, बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा। तो बस एक मिनट के लिए सिम गैस पर बिना कलर बदले हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हमने ये भून लिया है और इसको एक बाउल में निकाल लिया है। कहेंगे हम इसमें घर की पिसी हुई शक्कर, हमने इसमें 5 टेबलस्पून शुगर मिलाई है, ये मैंने घर पे पीस के रख ली थी। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अपना जादू। फ्रेंड्स, ये नारियल का बुरादा, घर की पिसी हुई शुगर और थोड़े सी मिल्क से बना हुआ है। ये मिल्क उबालकर फ्रिज में रखकर मलाई उतरा हुआ है। अब इसी को हम मिलाएंगे 1, 2, 3, 4, हमने मिलाया इसमें 4 टेबलस्पून ये मिल्क। अब हम देखेंगे कि ये हमारा मिश्रण बन पा रहा है कि नहीं। तो अब हम लगभग 2 टेबलस्पून मिल्क और हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड्स, यदि ये इससे गीला हो जाता है तो थोड़ा सा हम इसमें नारियल बुरादा मिला देंगे, और यदि ये सूखा रह जाता है मिश्रण तो हम थोड़ा सा 1 स्पून मिल्क और मिला सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कर लिया अच्छे से मिक्स और ये अच्छे से बन पा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूड कलर है, ये एकदम ऑप्शनल है। मैं इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए या जिससे ये देखने में सुंदर लगे, तो इसलिए मैं ये ग्रीन फूड कलर मिला रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें पहले से ही अपना ऑयल होता है क्योंकि ये नारियल जो है ऑयल छोड़ देता है भुनने के बाद, तो ये आराम से ऐसे ही बन पा रहे हैं। मैंने घी वगैरह हाथ पे कुछ भी नहीं लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ नारियल, शुगर पाउडर और थोड़े से मिल्क से कितने अच्छे से ये लड्डू आराम से बन पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं। अब मैंने लिया 2 चम्मच नारियल का बुरादा जो मैंने पहले से ही अलग रख दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं अपने ये लड्डुओं को रोल कर लूँगी तो ये इसके ऊपर सारा नारियल का बुरादा चिपक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर लगने लगे हैं ये, और ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं, और ये फूटते भी नहीं हैं जल्दी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से दूध से हमने बना लिए, बिना कुछ मावा खोया कुछ नहीं डाला। और देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको, ये देखिए अंदर से कितना बंधा हुआ निकला है एकदम। कोई कह सकता है कि ये दूध से बने हुए हैं? और देखिए आपसे बातें करते करते मेरे लड्डू भी तैयार हो गए। फ्रेंड्स, आप भी इनको एक बार ज़रूर बना कर देखिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।